हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिविल एजुकेशन। मैं आपका फ्रेंड पवन। और दोस्तों, आज मैंने एक बेस्ट कोलैबोरेशन बनाया है हिमाचल जीके का। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा जितने भी एग्ज़ाम 2016 से 2019 तक के करवाए हैं, इसमें मैंने डाले हैं हिमाचल जीके डाला है। सिर्फ ओनली इसमें जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे सब इंस्पेक्टर, क्लैरिकल, TGT, स्टेनोग्राफर, JEE, इनमें से मैंने जितने भी हिमाचल के क्वेश्चन थे वो उठा के मैंने एक बहुत अच्छा कॉलिब्रेशन बनाया है। तो आप चेक करें, वीडियो क्वालिटी चेक करें, और ये बहुत अच्छा है। इसमें लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है दोस्तों, और इसमें जो है आपको एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे 2016 से 2019 तक। तो आप चेक करें, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा टेलीग्राम का, तो आप वहाँ पर जाके देखें। टेलीग्राम पे मैंने इसकी PDF डाली होगी, उसमें आपको वो मिल जाएगी। और दोस्तों, कमेंट जरूर करें आपको कैसी वीडियो लगी। ठीक है, नेक्स्ट कोलैबोरेशन मैं और बनाऊंगा आपके रिस्पॉन्स देने के बाद। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश बिफोर 1951। तो 1951 से पहले निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का जिला नहीं था? तो देखिए, ऑप्शन है शिमला, मंडी, सिरमौर और चंबा। तो देखिए दोस्तों, चंबा, मंडी और सिरमौर और महासू को जोड़ के जो है हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था 15 अप्रैल 1948। तो उस टाइम शिमला नहीं था, तो शिमला यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। गिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद रिवर, कौन सी रिवर के साथ जो है गिरी जल विद्युत परियोजना का संबंध है? ठीक है, तो ऑप्शन है सतलुज, यमुना, ब्यास और रावी। तो देखिए, जो गिरी जल विद्युत परियोजना है वो सिरमौर में है, 60 MW की। ठीक है, और इसका यमुना से संबंध है। ठीक है, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वैसे तो ये गिरी नदी पर बनी है, तो लेकिन गिरी नदी भी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस डज नॉट हैव शिप ब्रीडिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर। ठीक है, निम्नलिखित में से हम उसको ऊपर कर देते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भेड़ प्रजनन व विकास केंद्र नहीं है? तो देखिए, नगवाई मंडी में भी है, हमीरपुर में भी है, ताल में, ज्योरी में भी है, लेकिन चूड़ी चंबा में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, रहला एट कुल्लू इज नेम ऑफ। तो रहला किस चीज़ का नाम है दोस्तों? तो रहला जो है वो एक झरने का नाम है। ठीक है, यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, वाटरफॉल। ठीक है, ये कुल्लू में पड़ता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द फेमस प्लेयर समरेश जंग इज एसोसिएट विद विच स्पोर्ट्स। ठीक है, ख्यातनाम समरेश जंग किस खिलाड़ी किस खेल सफलता से संबंधित है? ठीक है, तो जो समरेश जंग है, ये हिमाचल में इनका जन्म हुआ है, तो ये शूटिंग से है। ठीक है, तो यहाँ पे सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, उसने कहा था नामक प्रसिद्ध कहानी के लेखक कौन है? ठीक है, हु इज़ द राइटर ऑफ फेमस स्टोरी उसने कहा था? तो देखिए, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो ये कहानी है, ठीक है, उन्होंने लिखी थी। ठीक है, तो सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर व सुभाष चंद्र बोस हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर प्रवास हेतु ठहरे? तो देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर एंड सुभाष चंद्र बोस स्टे एट दिस प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑफ देयर विजिट। तो वो डलहौजी में ठहरे थे, ठीक है, चंबा में। ठीक है, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, US क्लब शिमला मूल रूप से किस ब्रिटिश शासक का आवास था? ठीक है, US क्लब शिमला वाज ओरिजिनली द रेजिडेंस ऑफ विच ब्रिटिश रूरल? ठीक है, रूलर, तो वो था सर जर्मिया ब्रायंट। ठीक है, तो यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हिमाचल प्रदेश विधानसभा का प्रथम स्पीकर कौन था? ठीक है, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा? तो ये जयवंत राम, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय बुशहर राजा का शासक कौन था? तो देखिए, बुशहर राजा का शासक उस टाइम कौन था? तो वो था शमशेर सिंह। ठीक है, शमशेर सिंह था 1857 की क्रांति के समय में। ठीक है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हु फाउंडेड द भागल स्टेट? ठीक है, भागल राज्य की स्थापना किसने करी? तो ऑप्शन है संपूर्ण डे, बाल डे, नाम डे और अजय डे। ठीक है, तो जो भागल राज्य की स्थापना की थी वो अजय डे ने की थी। ठीक है, भागल और बघाट ये सोलन को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सुंदरनगर का पुराना नाम क्या था? वट वाज द अर्लियर नेम ऑफ सुंदरनगर टाउन? तो देखिए, सुंदरनगर का जो पुराना नाम है वो बनेर है, बनेड़। तो यहाँ पे देखिए, बनेड़ जो ये बारेद लिखा है इन्होंने, इसका जो करेक्ट आंसर है वो बनेड़ है। ठीक है, मिस प्रिंटिंग हुई है, तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुल्लू वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? हु वाज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ द कुल्लू डायनेस्टी? ठीक है, तो कुल्लू का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो जगत सिंह था, राजा जगत सिंह। ठीक है, राजा जगत सिंह, इनका कार्यकाल कितना था? 1637 ईस्वी के आसपास, 1637 से 1672 ईस्वी तक इन्होंने जो है राज किया था। ठीक है, कुल्लू का सबसे शक्तिशाली राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
किसने कांगड़ा लाइब्रेरी की पुस्तकों का आधिपत्य लिया और उन्हें फारसी में अनुवादित करवाया, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। तो यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो फिरोज शाह तुगलक ने कब आक्रमण किया था, 1365 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया था कांगड़ा पर, और जो है 1300 पुस्तकों को अनुवादित करने के लिए वो ले गया था, ठीक है। तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि एक बेस्ट मटेरियल है, मैंने सारे इसमें इकट्ठे कर रखे हैं, जितने भी एग्ज़ाम हुए 2016 से 2019 तक के, मैक्सिमम जितने भी है SI JEE हो गए और इलेक्ट्रिसिटी के क्लरिकल के, सभी मैंने इकट्ठे करके रखे हैं। इसमें बहुत बेस्ट मटेरियल है दोस्तों। अगर इसकी PDF भी चाहिए होगी तो PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जिला अपनी सीमा कांगड़ा जिले के साथ साझा नहीं करता? तो देखिए कांगड़ा जिले के साथ कौन अपनी सीमा साझा नहीं करता, तो चलिए इसको मैं मैप में दिखाता हूँ आपको। तो चलिए यहाँ पे देखिए कांगड़ा ज़िला, ये कांगड़ा ज़िला है, यहाँ पे देखिए इसके साथ कौन सा, चंबा भी इसके साथ अपनी सीमा लगाता है, ठीक है, और लाहौल स्पीति भी लगाता है, कुल्लू भी लगाता है, मंडी भी लगाता है, हमीरपुर भी, ऊना भी, लेकिन बिलासपुर नहीं लगाता। बिलासपुर यहाँ नीचे है, ठीक है, तो बिलासपुर नहीं लगाता। तो बिलासपुर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिलासपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। मारकंडा खड फ्लो इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? मारकंडा खड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है? तो मारकंडा खड जो है दोस्तों ये सिरमौर में बहती है, ठीक है, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नाको लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? नाको झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो देखिए नाको झील एकमात्र झील है किन्नौर में, ठीक है, तो ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज नदी शिमला जिले में कहाँ से प्रवेश करती है? तो देखिए वेयर डज द रिवर सतलुज एंटर शिमला डिस्ट्रिक्ट? तो ये कहाँ करती है? ये करती है बढ़ल में, ठीक है, तो डी यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, स्थानीय भाषा में ग्लेशियर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है शिगड़ी के नाम से, ठीक है, तो सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से कौन सा शहर शिवालिक पर्वतमाला में नहीं आता है, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन डज नॉट फॉल इन द शिवालिक हिल्स? तो देखिए ऑप्शन है चंबा, अब ये थोड़ा डीप क्वेश्चन है, देखेंगे इसको, चंबा, जोगिंदरनगर, पालमपुर या मनाली। देखिए चंबा भी आता है और जोगिंदरनगर मंडी में पड़ता है, तो मंडी ये भी आता है, ठीक है, और जो पालमपुर है ये भी आता है, लेकिन मनाली यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मनाली निचले जो है शिवालिक में आता है, ठीक है, शिवालिक में नहीं आता है, ठीक है, तो ठीक है, जो चंबा है इनके निचले क्षेत्र है, जो ये हमारे शिवालिक में आते हैं, जोगिंदरनगर मंडी में ये भी शिवालिक में आता है, ठीक है, और पालमपुर भी शिवालिक में आता है, तो यहाँ पे जो मनाली है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोंस नदी यमुना नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, ठीक है, निम्न में से किस स्थान पर इसे जुड़ती है? तो देखिए ये दोनों ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, तो ये कहाँ मिलती है? ऑप्शन है नाहन, कलसी, पौंटा या सिरमौरी ताल। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो कलसी है, ठीक है, कलसी में मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विश्व प्रसिद्ध विद्यालय सनावर कहाँ स्थित है? ठीक है, सनावर स्कूल जो ये कहाँ है? तो ये हमारा कसौली में है दोस्तों, ठीक है, सोलन, तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस जिले में शीत ऋतु के स्वागत के लिए लाचंग उत्सव मनाया जाता है? ठीक है, लाचंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू वेलकम द विंटर सीजन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? तो देखिए सबसे कम बारिश कहाँ होती है? लाहौल स्पीति में, ठीक है, तो लाहौल स्पीति में इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है, तो शीत ऋतु आती है, ठीक है, तो वहाँ पे ये उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कुल्लू ज़िले में स्थित ढूंगरी मंदिर जो है किसको किस देवी की वहाँ पे प्रतिमा स्थापित है? तो देखिए हम जो है वो हडिम्बा देवी की है, ठीक है, हडिम्बा, तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच प्लेस इज नोन एज लिटिल लहासा ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में कौन सा स्थान लिटिल लहासा, ठीक है, के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन है रिवाल्सर, स्पीति, किन्नौर या धर्मशाला। तो धर्मशाला को जो है लिटिल लहासा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एरिया वाइज डैश इज द लार्जेस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली जोन ऑफ हिमाचल प्रदेश? ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन है? ठीक है, यहाँ पे एरिया वाइज पूछा है, तो एरिया वाइज सभी को पता है कि लाहौल स्पीति है, ठीक है, तो बी इसका जो करेक्ट आंसर है, किन्नौर और लाहौल स्पीति में एक एक सीट है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हाउ मेनी मेंबर आर इलेक्टेड फ्रॉम हिमाचल प्रदेश इन इंडियन पार्लियामेंट? ठीक है, भारतीय संसद में हिमाचल प्रदेश के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो सभी को पता है चार लोकसभा के और तीन राज्यसभा के, तो चार और तीन हो जाते हैं सात, तो यहाँ पे सात बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाउन ऑफ हिमाचल इज नोन एज छोटी काशी, यानी कि छोटी काशी किसको कहा जाता है? तो सभी को पता है मंडी को कहा जाता है, ठीक है, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द हार्ड टू फॉर्ड इन हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड इन द टेरिटरी ऑफ, ठीक है, हार्ड टू फॉर्ड हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में आता है? मंडी घाटी, कुल्लू घाटी, सांगला घाटी या इनमें से कोई नहीं? तो हार्ड टू फॉर्ड शिमला में, दोस्तों शिमला डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो यहाँ पे डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, महात्मा गांधी ने धर्मपुर सोलन हिमाचल प्रदेश का भ्रमण किया और भाषण दिया, ये कब दिया था? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो 1939 में, तो 1939 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम हिमाचली खिलाड़ी कौन थी, ठीक है, किसने अर्जुन अवार्ड सबसे पहले प्राप्त किया था? तो वो थी सुमन रावत, ठीक है, बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंबा कशीदकारी और रुमाल के प्रवर्तन में किसने गहन रुचि ली थी? तो देखिए, जो रुमाल कला है ये चंबा में है, साहिल वर्मन ने शुरू करवाई थी, लेकिन यहाँ पे किसने गहरी रुचि ली थी? तो ये ली थी कमला देवी चट्टोपाध्याय ने, डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा का मसरूर मंदिर किस शताब्दी में निर्मित हुआ, ठीक है, जो मसरूर टेम्पल है कांगड़ा में वो कब बिल्ट हुआ था? वो हुआ था 8वीं शताब्दी में, तो यहाँ पे सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मंडी का शिवरात्रि मेला किसने आरंभ करवाया था? काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन है केशवसेन, श्यामसेन, युद्धवीर सेन या अजबर सेन। तो मंडी का शिवरात्रि मेला जो है अजबर सेन ने चलवाया था, ठीक है, 1527 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखेंगे 1527 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द आर्यन केम टू हिमाचल प्रदेश फ्रॉम, तो आर्य हिमाचल प्रदेश कहाँ से आए थे? तो सेंट्रल एशिया से आए थे, ठीक है, मध्य एशिया, तो यहाँ पे बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का राज्य खेल, तो सभी को पता है वॉलीबॉल, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाई दो न पाई आंदोलन किस आंदोलन का विस्तार था? तो देखिए, ये ऑप्शन है स्वदेशी असहयोग या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था, तो इसमें क्या था कि जितने भी किसान और सैनिक थे उनका ये नारा था कि भाई दो ना पाई, कि ब्रिटिश सरकार को ना तो आदमी उनको देना सेना के लिए और ना ही कुछ भी उनको कर वगैरह देने। तो यहाँ पे इसका सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस ऑफिसर ऑफ हिमाचल प्रदेश हु आफ्टर रिटायरमेंट सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ नागालैंड ऑल्सो, हिमाचल प्रदेश के पुलिस अधिकारी जो सेवानिवृत्ति उपरांत नागालैंड के राज्यपाल भी रहे, तो देखिए वो थे श्री अश्विनी कुमार, ठीक है, तो यहाँ पे सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश बिकेम द फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1952, तो हिमाचल प्रदेश में जो 1952 में सबसे पहले मुख्य सचिव कौन थे? तो वो थे के एल मेहता, ठीक है, तो सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है, निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? तो ये तो सभी को ही पता है, मानव निर्मित गोविंद सागर है, ठीक है, जो बिलासपुर में है, सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से कौन सा जिला अल्पाइन जोन में नहीं आता? देखिए, विच वन अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट फॉल इन द अल्पाइन जोन? तो देखिए, शिमला भी आता है, चंबा भी आता है, लाहौल स्पीति भी आता है, ठीक है, और तो इसमें किन्नौर इसका सही आंसर है, ठीक है, अल्पाइन, वहाँ पे पेड़ पौधे भी छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 के दौरान चंबा राज्य के राजा राजा भूरी सिंह उन्होंने क्या किया? आक्रमण रहे या फिर ब्रिटिश सरकार का विरोध किया, ब्रिटिश सरकार की सहायता करी या फिर गदर आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया? तो देखिए, उन्होंने जो ब्रिटिश सरकार की सहायता की थी उस टाइम, ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हु वाज द लास्ट राजा ऑफ द चंबा स्टेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंबा का अंतिम राजा कौन था? चंबा का अंतिम राजा था लक्ष्मण सिंह, और सबसे पहला जो था जो वो था मेरू वर्मन, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, शिमला में कौन सी ऋतु लॉन्ग मून नाइट ऋतु के नाम से जानी जाती है? विच सीजन इन शिमला इज नोन एज लॉन्ग मून नाइट सीजन? तो वर्षा, सर्दी, गर्मी या बसंत? तो सर्दी जो है यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हिमाचल प्रदेश में प्रागैतिहासिक प्राणियों के कंकाल कहाँ से निकाले गए हैं? तो ये देखिए, सुखेती से निकाले गए हैं, तो यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हिमाचल प्रदेश में एशियाई बाघ डैश में पाए जाते हैं? तो देखिए, एशियाई बाघ जो है कहाँ से पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं रेणुका अभ्यारण, ठीक है, तो ये नाहन में, सॉरी सिरमौर में है, ठीक है, तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के प्रथम सूचना आयोग, ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो देखिए एस चक्रवर्ती नहीं, एन सी मेहता नहीं, पीसी कटोच नहीं, पीसी राणा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, पीसी राणा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, शिमला में ऑल इंडिया रेडियो सेंटर किस वर्ष स्थापित हुआ, ठीक है, इन विच ईयर ऑल इंडिया रेडियो सेंटर वाज सेटअप इन शिमला, ठीक है, तो ये 1955 में हुआ था, 1955 में, तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पंजाब पुनर्गठन आयोग 1966 की अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है, हु हेडेड द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1966। तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, तो ऑप्शन है फजल अली, एम के एम पणिकर, एच एन कुंजरू या जे सी शाह। तो देखिए 1966 में जो अध्यक्ष की थी जे सी शाह ने करी थी, और जो इसका तो इसका करेक्ट आंसर डी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द न्यू ईयर फेस्टिवल इन चंद्रा एंड भागा वैली इज कॉल्ड, चंद्रा और भागा घाटी में नव वर्ष उत्सव कहलाता है। तो ये देखिए हालदा कहलाता है, ठीक है, नव वर्ष के उपहार पे, ठीक है। तो इसका बीस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में महत्तम संख्या में औद्योगिक इकाई है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट। तो देखिए दोस्तों मैक्सिमम नंबर पूछा है, तो यहाँ पे ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि सोलन और कांगड़ा में जो है काफ़ी जो कन्फ्यूजन होती है, तो मैं बता दूँ कि मैक्सिमम नंबर कांगड़ा में है और मैक्स जो बड़ी उद्योग इकाइयाँ हैं वो सोलन में है, लेकिन है कम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कालका शिमला रेलवे यात्रा में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन द कालका शिमला रेल जर्नी, ठीक है, तो ये है बडोग टनल, ठीक है, ए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है 1143 मीटर लंबी है, ठीक है, 1.143 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नैना देवी मंदिर है, तो नैना देवी मंदिर सभी को पता है बिलासपुर में है, तो बिलासपुर इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ HP वाज, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे, तो सभी को पता है NC मेहता प्रथम मुख्य आयुक्त है, ठीक है, तो बी आप बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, गिरी नदी किसकी सहायक नदी है, गिरी रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इन विच ऑफ द रिवर, ठीक है, तो ऑप्शन है यमुना, सतलुज, ब्यास, चेनाब, तो यमुना की है, सिरमौर में बहती है, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लामा डल लेक, ये देखिए इसमें दोनों ने कन्फ्यूजन कर रखी है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लामा डल झील है, तो डल झील कहाँ है, जो कांगड़ा में है, लेकिन लामा झील चंबा में है, तो कन्फ्यूजन थी, ठीक है, लेकिन इसका चंबा इसका करेक्ट आंसर है, लामा डल झील, अगर लामा झील जो है वो सात झीलों का समूह है, वो चंबा में है, ठीक है, भरमौर में, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो चंबा ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हिमाचल प्रदेश में किस जिले में पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है, पिन वैली राष्ट्रीय पार्क जो है वो लाहौल स्पीति में है, एक यहाँ पे जो है 1987 को ये इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे 1987 को स्थापना हुई थी, तो इसका बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज, पहली जो राज्यपाल कौन थी, ऑप्शन है लीला सेठ, विद्या स्टोक, लीला सेठ या फिर शीला कौल, ठीक है, तो शीला कौल यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहादुरपुर किला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहादुरपुर किला, ऑप्शन है हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सिरमौर, तो बिलासपुर इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एल्टीट्यूड ऑफ शिवालिक हिल्स, शिवालिक पहाड़ियों की अधिकतम ऊंचाई कितनी है, 1500 फीट, 2000 फीट या फिर 1500 मीटर या फिर 3000 मीटर, तो शिवालिक की जो है वो 350 से 1500 मीटर तक है, ठीक है, शिवालिक, उसके बाद मध्य आता है, फिर बाह्य हिमाचल आता है, ठीक है, ऊपरी हिमाचल, जो मध्य है वो 1500 से 4500 तक है, ठीक है, और जो उससे ऊपर है 4500 से 7000 तक, ठीक है, तीन भागों में बांटा है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फेमस लूणू ग्राउंड इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो लूणू मैदान काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीटेड हो चुका है क्वेश्चन, लूणू मैदान बिलासपुर में है दोस्तों, ठीक है, और यहाँ पे जो है नलवाड़ी मेला लगता है, जिसको W गोल्डस्टीन ने शुरू करवाया था, ठीक है, और ये किसके लिए होता है, बैलों की यहाँ पे पूजा की जाती है, बैलों के जोड़े की पूजा की जाती है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत महाभारत के युद्ध में सुशर्मा चंद्र मित्र थे, किसके मित्र थे, किसका साथ दिया था सुशर्मा चंद्र ने, तो ये कौरवों का दिया था, ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हु बिल्ट द फोर्ट ऑफ नगरकोट इन द एंशियंट पीरियड, ठीक है, प्राचीन समय में नगरकोट का किला किसने निर्मित किया था,
तो अशोक देवदास सुशर्मा या संसार चंद, तो जो उसका करेक्ट आंसर है वो सुशर्मा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सी आदिम जाति हिमाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है? देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लामा, स्वांगल, जड़ और मीणा। ठीक है, तो यहाँ पे मीणा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैं कमेंट में आपसे पूछता हूँ कि मीणा जो है जनजाति, ये कहाँ पाई जाती है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन्नौर का कौन सा त्यौहार फूलों के लिए सुप्रसिद्ध है? ठीक है, विच फेस्टिवल ऑफ किन्नौर द फेमस ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, तो ये उख्यांग है, फूलों के लिए मनाया जाता है। ठीक है, फूलों का त्यौहार। ठीक है, उख्यांग है। ठीक है, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। कुल्लू का मलाणा गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? मलाणा विलेज ऑफ कुल्लू फेमस फॉर, तो सबसे पुराना लोकतंत्र है जो कुल्लू में है। ठीक है, मलाणा गांव में, वहाँ पे अपने रीति रिवाज है, अपना ही उनका कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, मतलब खुद के रीति रिवाज हैं। तो ठीक है, पुराना लोकतंत्र है मतलब, तो सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख देंगे। कुल्लू जिले का पीपल जत्र मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, पीपल जत्र मेला ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट इज रिकॉग्नाइज एट। ठीक है, कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है ढालपुर मैदान में। तो ठीक है, ढालपुर मैदान कुल्लू में, ये भी क्वेश्चन बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो है, निम्न में से कौन सा आभूषण पुरुषों से संबंधित नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वेलरी इज नॉट एसोसिएटेड विद मेल। ठीक है, तो बेसार इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोक डांस क्यांग इज एसोसिएटेड विद डैश डिस्ट्रिक्ट। तो ऑप्शन है किन्नौर, लाहौल स्पीति, सिरमौर, चंबा। तो देखिए क्यांग जो है ये किन्नौर का है। ठीक है, क्यांग, उख्यांग, ये सब कुछ सॉरी किन्नौर में ही है। ठीक है, तो किन्नौर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। हिमाचल प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1977, 1977 में जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, उस टाइम सरकार गिर गई थी। ठीक है, आई थिंक शांता कुमार वहाँ उस टाइम जो है वो थे चीफ मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। बाबा भलकू नाम किससे संबंधित? तो बाबा भलकू जो है रेल से हैं, रेलवे से। ठीक है, इन्होंने सर्वेक्षण किया था बडोग टनल का। ठीक है, एक्चुअली हुआ था अलाइनमेंट नहीं मिल रही थी एक छोर की दूसरे किनारे तक, तो उन्होंने अपनी छड़ी के द्वारा सर्वेक्षण किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। निरमंड का बुंडा उत्सव प्रति डैश वर्षों बाद मनाया जाता है। ठीक है, द बुंडा फेस्टिवल ऑफ निरमंड इज सेलिब्रेटेड आफ्टर एवरी ईयर। ये 12 साल बाद मनाया जाता है। इसको हिमाचल का कुंभ भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, तो 12 साल बाद, तो सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिम्बलवाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? सिम्बलवाड़ा जो है सिरमौर से है। ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये सभी जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है पिछले, सब डाल रखे हैं मैंने, जितने भी हैं स्टेनोग्राफर और JEE सब सब कुछ डाल रखा है मैंने इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। शानन पावर हाउस, ठीक है, शानन पावर हाउस इज लोकेटेड एट। तो शानन जो है सबसे पुराना जो परियोजना है ये जोगिंदर नगर में है। ठीक है, ये हिमाचल सरकार के अंडर नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये जोगिंदर नगर में है, तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष तो सभी को पता है देवदार। ठीक है, वेस्टर्न ट्रेगोपन इज द नेम ऑफ, वेस्टर्न ट्रेगोपन किसका नाम है? ये हमारा जो है जुजू राना। ठीक है, मतलब ये पक्षी है, राज्य पक्षी। ठीक है, तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए डैश लोकप्रिय रूप से मिनी काशी, हिमाचल प्रदेश का काशी या छोटी काशी। देखो अभी पहले भी आता है क्वेश्चन, तो ये मंडी में इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखिए निम्न में से कौन सा एक हिमाचल प्रदेश का औद्योगिक क्षेत्र नहीं है? ये अच्छा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, औद्योगिक जहाँ पे इंडस्ट्री एरिया नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडस्ट्री एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो पांवटा साहिब में भी इंडस्ट्री है, महत्वपुर ऊना में, ठीक है, बरोटी वाला ये सोलन में आ गया। ठीक है, तो छराबड़ा ये यहाँ पे कोई वो नहीं इंडस्ट्री एरिया। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 15 अप्रैल 1947 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व आया हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उस समय 4 जिले थे, तो उस समय कितना क्षेत्रफल था? तो देखिए अभी तो सभी को पता है 55,673 है, लेकिन उस समय कितना था? उस समय था 27,108। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है 27,108, लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने एज पर आंसर की दिया था वो 25,847 दिया था, लेकिन ये गलत है। पर आप ध्यान रखें 27,108 स्क्वेयर किलोमीटर था, तो यहाँ पे आंसर कोई भी सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस डाटा, व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो जो लिटरेसी साक्षरता दर है हिमाचल की वो है 82.80%। ठीक है, तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि घटते क्रम में आपने एरिया वाइज बताना है कौन सबसे ज़्यादा है, फिर कम है, फिर कम है। ठीक है, पहले पे लाहौल स्पीति आता, लाहौल स्पीति ऑप्शन ही नहीं है। दूसरा किन्नौर है, ठीक है, सेकंड नंबर पे किन्नौर आता, तो किन्नौर तीन में, यहाँ पे दो में, तो यानी कि ए और सी में से आंसर होगा। किन्नौर के बाद आपका कुल्लू आता, किन्नौर के बाद पहले पे देखिए ना लाहौल स्पीति आता, फिर चंबा, फिर किन्नौर, किन्नौर फिर उसके बाद कुल्लू, फिर उसके बाद शिमला। तो ठीक है, तो ये इसका सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बाकी आप एरिया वाइज देख लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ मोटरेबल रोड पर 100 square meter इन हिमाचल प्रदेश। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 2014-15 के अंत तक हिमाचल प्रदेश के प्रति 100 square kilometer यानी कि 100 square kilometer के प्रति जो मोटर योग्य सड़कें हैं वो कितनी हैं, वो है 63.08 किलोमीटर। ठीक है, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु फाउंडेड द क्योंथल स्टेट अराउंड द 1211 AD। ठीक है, तो 1211 के आसपास क्योंथल राज्य की स्थापना किसने की, तो गिरिसेन ने करी थी, तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक किन्नर देश इज रिटन बाय, किन्नर देश किसने लिखी थी। ऑप्शन है जी डी खोसला, देवराज शर्मा, राहुल संकृत्यानंद, आर के कौशल। तो राहुल संकृत्यानंद ने लिखी थी, ठीक है, पुस्तक किन्नर देश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए स्थानीय बोली में ठोडा किस को निरूपित करता है। इन लोकल डायलेक्ट ठोडा रिप्रेजेंट, ठोडा क्या है, ये दोस्तों खेल कूद है, ठीक है, सिरमौर में मनाया जाता है। ठीक है, तो ए इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्राचीन काल में शिवालिक पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन है नागा पर्वत, ब्यास पहाड़ियाँ, मानक पहाड़ियाँ या हिम पर्वत। तो मानक पहाड़ियों यानी कि मैनाक पर्वत। ठीक है, तो सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द भृगु एंड दशर टू फेमस लेक्स आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। भृगु और दशर दो जिले हैं, ये कहाँ कहाँ के जिले हैं, ये है कुल्लू में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कांगड़ा में करेरी है, चंबा में महाकाली है और किन्नौर में नाको झील है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पब्बर यमुना नदी की एक प्रसिद्ध सहायक नदी है और कहाँ से निकलती है। तो पब्बर नदी जो है किस स्थान से उत्पन्न होती है, वो होती है चंद्रनहान झील से। ठीक है, तो बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालचंद प्रार्थी वाज बॉर्न इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। लालचंद प्रार्थी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये कुल्लू में हुआ था। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, कौन सी लिखी थी, कुलुत देश की कहानी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति था। तो वो थे मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, तो चलिए ये भी कमेंट में डाल दीजिए कि किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड यानी कि टेक्निकल जो है एजुकेशन बोर्ड है, वो कहाँ है, तो वो धर्मशाला में पड़ता है। ठीक है, जिसके अंडर पॉलिटेक्निक आईटीआई वगैरह आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश में कौन से जिले की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर है, सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ है, वो चंबा में है दोस्तों। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कहाँ है, हमीरपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार अधिक जनसंख्या के आधार पर भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासितों प्रदेशों को मिलाकर जो हिमाचल का कौन सा स्थान है, तो 21वें स्थान पे आता है जनसंख्या में। अगर लिटरेसी अगर बात की जाए कि कौन से टाइम में बना था, तो 18वां राज्य बना था। ठीक है, तो ए यहाँ पे उसका करेक्ट आंसर, लेकिन यहाँ पे इसका बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालदा एंड फागली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन। हालदा और फागली त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो ये लाहौल स्पीति में मनाया जाता है दोस्तों, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष हिमाचल प्रदेश सी राज्य बना, तो सी राज्य 1951 से 1954 तक था। ठीक है, 1951 से 1956 तक, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस नदी की सहायक नदी बैरासियूल जल विद्युत परियोजना का निर्माण हुआ। ठीक है, तो बैरासियूल जो है ये रावी नदी पे है दोस्तों। ठीक है, तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर याक प्रजनन केंद्र है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, तो याक प्रजनन केंद्र जो है लाहौल स्पीति में है, डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ दोस्तों कि घोड़ा प्रजनन केंद्र कहाँ है हिमाचल प्रदेश में, तो वो कमेंट में बताएं, मैं जो बताएगा मैं उसका पिन करके उसको हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुम्मा और द्रंग किसके लिए प्रसिद्ध है। तो गुम्मा और द्रंग जो है नमक के लिए है। ठीक है, तो रॉक साल्ट यानी कि सैंदव, तो सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर साइट आर्द्र भूमि सूचित है। रामसर साइट वेटलैंड, तो ये महाराणा प्रताप सागर है। ठीक है, तो यहाँ पे डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गौरी कुंड इन हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड नियर। गौरी कुंड जो है चंबा में है, तो यहाँ पे देखिए मणि महेश यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश का निम्न में से कौन सा एक अंदरूनी हिमालय के अंदर नहीं आता, अंदरूनी हिमालय, ठीक है। तो देखिए अंदरूनी हिमालय यानी कि हिमालय का निचला हिस्सा, ये मान लो ये हिमालय है यहाँ से, तो इसके निचले हिस्से में कौन आता है, देखो मंडी आता है, जो मतलब हिमाचल के ऊपरी ऊपरी क्षेत्र है वो उसमें आते हैं, तो सिरमौर भी आता है, कांगड़ा भी आता है, लेकिन हमीरपुर नहीं आता, तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसार चंद प्रसिद्ध शासक था, तो ये कांगड़ा का था, ठीक है, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्न मेलों में से कौन सा एक राज्य स्तरीय मेला है, तो राज्य स्तरीय मेला देखिए यहाँ पे ऑप्शन है भेल मेला, नलवाड़ी मेला, बाड़ा देवी मेला, चक्रण मेला, तो नलवाड़ी मेला ये राज्य स्तरीय है, बिलासपुर में मनाया जाता है, लूणू मैदान में, ठीक है, किसने शुरुआत करवाई थी, डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने, ठीक है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लवी फेयर एक मेल, लवी मेला एक डैश है, धार्मिक मेला, पशु मेला, व्यापार मेला, देवता मेला, तो लवी मेला जो एक व्यापारिक मेला है, ठीक है, कहाँ लगता है, रामपुर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष में भाग सी राज्य यानी कि इन विच ईयर पार्ट सी स्टेट बिलासपुर वाज मर्ज इन हिमाचल प्रदेश, तो 1 जुलाई 1954 को उन्होंने मर्ज किया था, ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में विलीन हो जाने की वजह से हिमाचल प्रदेश वर्धित हो गया, तो इसमें विलीन से कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई थी, तो 1966 में कुल जिले जो है 10 हो गए थे दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पे बी इसका करेक्ट आंसर है, पहले 4 थे, ठीक है, फिर पांचवा जिला बिलासपुर बना, छठा किन्नौर बना, ठीक है, 4 फिर उसके बाद जोड़ दिए तो 10 हो गए, फिर 2 बाद में बन गए थे, ठीक है, तो 72 में शिमला, सोलन वगैरह, तो 12 हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एज पर 2011 सेंसस रिपोर्ट सेक्स रेशियो ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो जो लिंग अनुपात है वो वैसे तो 974 है, ठीक है, पर यहाँ पे जो है 972 है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट हम जब कोलैबोरेशन बनाएंगे तो हम वो नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे, आप कमेंट में जरूर बता दें कि कैसा बना हुआ है, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।